सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज। मैं हूं जितेंद्र सिंह। यूके टूरिस्ट वीज़ा ट्रेंड के बारे में बात करें तो यूके का टूरिस्ट वीज़ा का ट्रेंड आज की डेट में बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी वीज़ाज आ रहे हैं आज की डेट में, और आप भी अप्लाई करना चाहें तो बेस्ट टाइम है। बस आप एलिजिबल होने चाहिए, यदि आप एलिजिबल नहीं है तो अप्लाई मत करें, क्योंकि वीज़ा उन्हीं को मिलता है जो एलिजिबल होते हैं। ट्रेंड चाहे जितना भी अच्छा हो, वीज़ा अफसर आपकी प्रोफाइल तो देखेगा ही देखेगा, और अच्छी प्रोफाइल होगी तभी वीज़ा मिलेगा। ट्रेंड सिर्फ ये होता है कि यदि वो टूरिस्ट को वेलकम करना स्टार्ट कर दे और वीज़ाज देने स्टार्ट कर दे तो उस टाइम आपको अप्लाई कर लेना चाहिए, उस टाइम आपको वेट नहीं करना चाहिए। ये एक टाइम होता है हमेशा, कुछ कंट्रीज़ में कभी रहता है और फिर कभी क्लोज हो जाता है, दोबारा फिर वो वीज़ाज देने स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आज की डेट में यूके में है। आप चाहें तो आज की डेट में यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और यूके में रिज़ल्ट आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे आज की डेट में, और वीज़ाज अच्छे आ रहे हैं। हमारे कुछ रिसेंट वीज़ाज हैं जो यूके के आए हैं और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं इसमें, और ये सब वीज़ाज जो हैं इसी महीने के हैं, और इसमें अभी काफ़ी ऐसे वीज़ाज कॉपीज हैं जो अभी हमारे पास नहीं है, हम शेयर आपके साथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। ये सब यूके के वीज़ाज हैं। यूके का ट्रेंड बहुत अच्छा है, आप भी चाहें अप्लाई करना तो कर सकते हैं, बस ध्यान रखें कि आप एलिजिबल होने चाहिए। और वीज़ा रिज़ल्ट जो है आज की डेट में, प्रोसेस टाइम की बात करें तो वो भी काफ़ी फास्ट है। मोस्ट ऑफ केसेस में जो रिज़ल्ट है वो 15 से 20 दिन में आने स्टार्ट हो चुके हैं, और अपॉइंटमेंट भी 4 से 5 दिन बाद की मिल जाती है। तो अभी आप फाइल करते हैं अपनी, तो आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन में जो टाइम लगेगा, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है आपको 4 से 5 दिन बाद की मिल जाएगी। देन आफ्टर आपकी जो आगे का प्रोसेस है वो आपका बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और वीज़ा जो है वो 10 से 15 दिन में और 20 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। पहले जो इसी वीज़ा में टाइम लग रहा था वो 1.5 से 2 महीने लग रहे थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब मोस्ट ऑफ केसेस में रिज़ल्ट 15 to 20 डेज के अंदर अंदर आ रहा है, और बेस्ट टाइम है अभी अप्लाई करने का। और वैसे भी यूरोप पार्ट में अभी जो वेदर है वो समर का आने वाला है, और समर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, और अभी ये सितंबर अक्टूबर तक जो वेदर रहेगा ये बहुत प्लीजेंट रहने वाला है, और ट्रैवल बहुत लोग करते हैं इस पीरियड के बीच में टूरिज़्म के लिए, और उन कंट्रीज़ में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं टूरिज़्म के लिए, और काफ़ी जो उनके बिजनेस हैं वो डिपेंड करते हैं इस वेदर में टूरिस्ट पर। तो इसलिए टूरिस्ट को हमेशा प्रमोट किया जाता है समर वेदर में यूरोपियन पार्ट में। तो एक अच्छा पार्ट है कि यदि आप यूके अप्लाई करना चाहते हैं, शेंगन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें, तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है वीज़ा लेने की, क्योंकि इसी तरीके से शेंगन से भी कुछ रिज़ल्ट हैं हमारे पास जो अभी इसी वीक आए हैं। ये सब वीज़ा जो है ये स्विट्ज़रलैंड के वीज़ा हैं, और इनको भी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है, तो आप भी चाहें तो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।